अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ यसरा और आइस एंड स्पाइस विद यसरा में आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार, शादियों में आप लोग खाते होंगे क्रीम कॉकटेल और सबको बहुत अच्छा लगता है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा एक दफ़ा मेरे कहने से। बहुत मज़ेदार लगती है और बहुत ही जल्दी झटपट से बन जाने वाला डेज़र्ट है। दावतों में आप इसको सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं। मैं सबसे पहले ये मैंने व्हिप्ड क्रीम ले ली है, ये मेरे पास हाफ केजी व्हिप्ड क्रीम है, ठीक है, इतनी है ये। और इसको हम व्हिप करेंगे फुल स्पीड पे, पहले हम 2 मिनट के लिए स्लो स्पीड पे से व्हिप करेंगे, इसके बाद हाई स्पीड पे हम इसे तब तक व्हिप करेंगे जब तक ये स्टिफ पीक के फॉर्म में ना आ जाए। जब आप बाउल को अपना पलटें तो आपकी क्रीम गिरनी नहीं चाहिए, इतनी अच्छी सी आपने इसको बीट करना है। ठीक है जी, ये हो गई है हमारी बीट। ठीक है जी, ये मैं आपको बाउल भी पलट के दिखा दूँगी कि ये देखें जी, बाउल मेरा उल्टा हो गया। ठीक है, ये मैं स्पीड बढ़ा के दिखा रही हूँ, इतनी देर तक मैंने बाउल को पलट के रखा था। तो ठीक है, एक तरफ ये बीट हो गई, एक तरफ हमने जो है वो 250 ml अपना जो है वो ले लिया है मिल्क, उसमें 3 चम्मच मैंने चीनी शामिल की है। जब इसमें उबाल आने लगेगा तब हम 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड दूध में मिक्स करके रख दिया है हमने एक तरफ, उसको शामिल कर लेंगे। बेसिकली हमें सिंपल कस्टर्ड रेडी करना है। ठीक है जी, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ये एक तरफ रख दिया। इसके बाद हम इस आलमंड्स लेंगे। ठीक है जी, जितने भी आप डालना चाहते हैं आपके ऊपर है। इसको बाद इसको ड्राई रोस्ट करने रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने अपने आलमंड्स को ड्राई रोस्ट करना है। इसके तीसरा स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमने व्हिप क्रीम रेडी की थी, अलग रख दी। इसके बाद हमने कस्टर्ड रेडी किया, सिर्फ दूध, चीनी और वनीला। 3 चम्मच चीनी, 250 ml दूध था और 2 चम्मच कस्टर्ड था, ये शामिल कर लिया था। ठीक है, जिसके बाद ड्राई रोस्ट करके हमने आलमंड रख लिया। इसके बाद हम जो जो चीज़ें इसमें शामिल कर रहे हैं, क्रीम है, कस्टर्ड है जो हमने रेडी किया, इसके अलावा ये कॉकटेल का पैकेट है जो बड़ा वाला टिन आता है आपके पास मिक्स कॉकटेल का, मैं अभी दिखा भी देती हूँ आपको, ये वाला टिन है। ठीक है जी, पोलैक का, तो ये पाइनएप्पल का है, ये दोनों मिक्स करके मैंने यूज़ किया है। ठीक है, दोनों को मिक्स करके मैंने निकाल लिया है। ठीक है, ये आधा बड़ा वाला जो केन है इसके आधे केन से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये 2 ओरियोज़ ले लिए हैं, आप चॉकलेट, वाइट, वनीला जो भी फ्लेवर में लेना चाहते हैं ले लीजिए। इसके बाद ये मैंने कुमेल लिया है, कुमेल अपने टेस्ट के हिसाब से हम ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें मीठी हैं, कस्टर्ड भी, क्रीम भी, कॉकटेल भी। इसके बाद ये मेरे पास कुछ 6 और 7 दाने जो हैं वो फिक्स के थे इंजीर के, उसे मैंने काट लिया है बारीक, और रोस्टेड आलमंड थे। ठीक है जी, अब हम सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। सबसे पहले हमने इस तरीके का कोई भी ले लेना है बाउल जिसमें हमने मिक्स करना है। ठीक है, इसके बाद उसमें मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ, कस्टर्ड है, फिक्स हैं, आलमंड्स हैं, कॉकटेल है और कुमाइल। आप देख लीजिए अराउंड 100 ml जितना मैंने कुमाइल इसमें ऐड किया है और ये इतना इनफ हो गई थी मिठास इससे। ठीक है जी, इसके बाद मैंने क्रश करके ओरियोज भी ऐड कर दिए हैं, रोस्टेड आलमंड्स, फिक्स भी ऐड कर दिए हैं। इसको कड़ू में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम डाल के भी हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ठीक है जी, इस तरह से बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स सारी चीज़ों को। बहुत 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 रिच एंड क्रीमी मज़ेदार सा डेजर्ट रेडी होता है। इसके बाद कुछ चीज़ें मैं सबकी छोड़ दी थी, वो मैं ऊपर से जो है वो डाल रही हूँ। कॉकटेल है, फिग है, आलमंड्स हैं, क्रश्ड ओरियोज़ हैं।